शिवपुरी के करेरा थाना क्षेत्र में मुंगावली गांव में शौच के लिए गई 11 वर्षीय मासूम बालिका की बलात्कार कर हत्या कर दी गई। बालिका के पिता ने इस मामले में एक व्यक्ति पर शक जाहिर किया है। उक्त बालिका काफी समय तक जब नहीं लौटी तो परिजनों ने उसकी तलाश शुरू कर दी है। वहीं बालिका की पहाड़िया पर पत्तों के नीचे उसकी लाश छुपी मिली। तभी परिजनों ने पुलिस को सूचना दी और पुलिस मौके पर पहुंच गई। वहीं पुलिस ने उसका पोस्टमार्टम कराकर हर एंगल से उसकी जांच की गई, जिसमें एक आरोपी आसपास घूमता हुआ लोगों को नजर आया, जिसकी पहचान इंसाफ नट के रूप में की गई है। वहीं इंसाफ की उम्र 35 साल बताई जा रही है। आरोपी उसी गाँव का मुंगावरी का रहने वाला है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी इंसाफ के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। आरोपी अभी फरार बताया जा रहा है और पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। शिवपुरी से यूसुफ खान की रिपोर्ट। लेकर मुंगावली गांव की घटना है, यहाँ नाबालिग बच्ची की लाश मिली है, पूरा मामला क्या है? मुंगावली ग्राम में बहुत गंभीर घटना घटित हुई है। एक कोली समाज की बच्ची के साथ नाबालिग बच्ची थी, उसके गला घोटकर इंसाफ आरोपी है, इंसाफ मुसलमान, उसने हत्या की है। उसके विरुद्ध धारा 302 की मुकदमा कायम किया गया है। गिरफ्तारी करने के लिए 3 टीम बनाई गई है। तीनों टीम जल्दी ही गिरफ्तारी करने की कोशिश कर रही है और गिरफ्तार हुआ है। जिसका जो मकान बना है आरोपी का, उसको चिन्हित किया जा रहा है। क्या ये अवैध रूप से बना हुआ है, क्या सरकारी जगह पर बना हुआ है, उसकी राजस्व विभाग को बातचीत चल रही है। पत्र लिख के भेज दिया गया है। अगर वो अवैध निर्माण हुआ तो उस पर भी बुलडोजर की कार्रवाई की जाएगी। आरोपी पे पहले भी कोई अपराध? आरोपी पे तकरीबन थाना करेरा के 16 अपराध पंजीबद्ध हैं, जो गंभीर अपराध के हैं। भौती में भी आरोपी ने 2009 में हत्या की थी और गाड़ी लूट के ले गए थे, उसमें उसको आजीवन कारावास की सजा हुई थी। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।